हेलो एवरी वन आई होप यू आल विल बी वेल सो जस्ट सी द प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सी द स्टेटमेंट इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल देन इट इज पैरल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान प्रूविंग देखिए सबसे पहले वी विल ड्रा अ ट्राएंगल ए बी सी देखिए मैंने ट्राइंगल ड्रा किया ए बी सी दिस इज द ए दिस इज द बी दिस इज द सी नाउ डी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे गिवन में क्या है आ ट्राइंगल ए बी सी in which d and d and e are the midpoints of midpoints of sides sides ab and ac ab and ac now just see to prove टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है डी ई पैरल टू बी सी डी ई पैरल टू बी सी एंड डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी देखिए प्रूफ के पहले हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे देखिए हमें डी ई पैरल टू बी सी प्रूफ करना है सो so, हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे थ्रू सी ड्रा अन सी एफ पैरल टू ए बी इसके पैरल ड्रा कर लिया डेट मीट डी ई एक्सटेंडेड एट F ये F है मींस ये सी एफ पैरल टू ए बी आप देखिए यही लिख देंगे कंस्ट्रक्शन में थ्रू सी थ्रू सि थ्रू सि ड्रा आईन सी एफ विच मीट्स एक्सटेड एक्सटेड एट एफ ओके ना जस्ट सी द प्रूफ देखिए यहां पर नाउ इन इन इंट्राएंगल ए डीई एंड्राएंगल ईसीएफ देखिए यहां से ये एंगल वन मान लेते हैं एंगल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए ए बी पैरल टू सी एफ ए सी ट्रांसवर्सल इसको थोड़ी देर के लिए एंगल थ्री मान लेते इसको एंगल फोर मान लेते एंगल थ्री टू एंगल फोर रीजन क्या होगा अल्टरनेट एंगल्स। अब यहां पर लिख लेते हैं सिंस एंगल एंगल टू रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर रीजन क्या होगा अल्टरनेट एंगल्स ओके okay. उसके बाद क्या होगा ए इक्वल टू ई सी गिवेन दिस इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुव टू ट्राइंगल ई सी एफ बाई एस 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 कांग्रुएंसी सी When two triangles are congruent then their corresponding angles and corresponding sides are equal this implies that side ad equal to cf side ad equal to cf and side de equals to ef इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे रीजन क्या होगा cpct ओके okay. आप देखिए थोड़ी देर के लिए यहां पर AD इक्वल टू सी एफ किसके इक्वल है डी बी के बट ए डी इक्वल टू अब देखिए अब हम क्या करेंगे AD की जगह पर DB लिख देंगे दिस इंप्लाइज डैट डी बी इक्वल्स टू सी एफ ओके सर मैंने ए डी की जगह पर DB लिख दिया अब देखिए यहां पर ए बी पैरल टू सी एफ देखिए वेन टू लाइन्स आर पैरल देन देयर पार्ट्स आर आल्सो पैरल देयर शुड बी नो कंफ्यूजन दिस इंप्लाइज दैट डी बी पैरल टू सी एफ आप देखिए एक कंसेप्ट होता है वेन टू इक्वल एंड पैरल लाइन्स आर देयर वेन टू इक्वल एंड पैरल लाइन्स आर देयर देन द लाइन्स ज्वाइनिंग देयर एंड पॉइंट आर ऑल्सो इक्वल एंड पैरल देखिये यहां पर ये बी डी इक्वल टू सी एफ ये दोनों क्या है इक्वल है और पैरल है दिस इंप्लाय डेट इनके एंड को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट देखो क्या होगा ये और ये दिस इंप्लाइज डेट डी एफ इक्वल टू डी एफ इक्वल्स टू BC and DF also parallel to PC. Okay, पी सी ओके समझ में आ गया होगा but but डी को हम क्या लिख सकते हैं DE ई प्लस ई एफ इक्वल्स टू बी सी अब देखिए हमें जरूरत किसकी है DE की जरूरत है हम देखें डी इक्वल टू ई एफ ई एफ की जगह पर क्या लिख लेंगे डीई डी प्लस डी ई इक्वल टू बी सी रीजन क्या होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन यहां पर इक्वेश टू हाफ ऑफ बी सी एंड ऑलरेडी डी एफ इज पैरेलल टू बी सी तो इसका पार्ट भी पैरल होगा दिस इंप्लाइड डेट इज दैरल टू बी सी दस प्रूफ. आई होप यू गॉट इट इफ एनी बडी जस्ट राइट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन एंड कंटिन्यूअसली कीप ऑन सपोर्टिंग एंड डोंट फॉगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब थैंक यू